नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी न्यूज़पेपर में खबर निकल के आ रही है कि योगी गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि 30 जून तक कोई भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम नहीं होगा, कोई मंदिर में प्रोग्राम नहीं होगा, कोई मस्जिद में प्रोग्राम नहीं होगा। कुछ भी जहाँ पर पब्लिक गैदर हो सकती है वहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूपी पीसीएस का पेपर हो सकता है? दोस्तों, एक बात मैं बताता हूँ आपको। आपको बीईओ का एग्ज़ाम याद होगा, 21 मार्च को होना था। दोस्तों, मेरे पास एक छोटी सी खबर है कि प्रभात कुमार साहब ने कहा कि 21 मार्च को पेपर होगा बीईओ का, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से प्रकोप हिंदुस्तान में भी आ चुका था। सरकारें लॉकडाउन करने की सोच रही थी, कर रही थी, उस समय तक लॉकडाउन हुआ नहीं। लॉकडाउन 24-25 तारीख को हुआ, जाके 23-24 तारीख को हुआ है, ठीक है। अब प्रभात कुमार साहब ने तो बोल दिया कि 21 तारीख को पेपर होगा, ठीक है। मंत्री जी, एक मंत्री हैं, यूपी के मंत्री हैं, उन्होंने फ़ोन किया प्रभात कुमार को और बोला कि आप एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दो, लेकिन प्रभात कुमार साहब ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, पेपर तो टाइम पे होगा। यही कारण था कि जो आपका बीओ का एडमिट कार्ड था वो भी रिलीज़ हो गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने खुद ही फ़ोन किया, उन्हें फ़ोन किया या उनके ऑफिस से फ़ोन गया कि भाई क्या कर रहे हो, सरकार यहाँ पर सबको लॉकडाउन कर रही है और आप एग्ज़ाम बात कर रहे हो ना, कि मतलब आप सरकार के फैसले के खिलाफ जा रहे हो। तब जाके प्रभात कुमार ने 2 दिन पहले बीईओ का पेपर पोस्टपोन किया है। प्रभात कुमार का तो पूरा मानना था कि बीईओ का पेपर वो 21 मार्च को करा देंगे, लेकिन जब योगी सरकार ने बोला कि सरकार एक तरफ तो फैसला कर रही है कि सारे लॉकडाउन होंगे, कुछ नहीं होगा, मंदिर में कार्यक्रम नहीं होंगे, मस्जिद में कार्यक्रम नहीं होंगे, कोई कार्यक्रम नहीं होगा, ऑफिस नहीं खुलेंगे, और आप बोल रहे हो पेपर कराओगे, तो क्या आप सरकार के खिलाफ जाओगे क्या? तब जाके प्रभात कुमार ने 2 दिन पहले कैंसिल किया था। अब एक बार योगी गवर्नमेंट ने फिर फैसला लिया है कि 30 जून तक कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा। भाई एग्ज़ाम तो सामूहिक कार्यक्रम ही तो है, लोग बड़ी तादाद में जाके ट्रैवल करते हैं, गाड़ियों से जाएंगे, एक ही सेंटर में बैठेंगे, एक ही कमरे में बैठेंगे, आसपास बैठेंगे, चिपक चिपक के बैठेंगे, और सड़े सड़े अगर आपको वो मिल गए, सेंटर्स मिल गए, तो बिल्कुल आसपास बैठना पड़ जाता है आपको। नकल नहीं हो पाती है, लेकिन आसपास बैठना पड़ जाता है आपको। अब क्या किया जाएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता आज की खबर सुनने के बाद कि पेपर टाइम पे होगा, सीरियसली बोल रहा हूँ। आयोग नहीं जाएगा सरकार के खिलाफ, इतनी आयोग की हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ जाए। इन केस अगर बीच में कोरोना वायरस का प्रकोप थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, मतलब अच्छा अभी जैसे कंट्रोल थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन अगर बेहतर कंट्रोल हो गया, सरकार ने अपना फैसला रिव्यू कर लिया, तब अलग बात है। लेकिन मुझे आज की खबर सुनने के बाद नहीं लगता कि पेपर टाइम पे होगा। लेकिन फिर भी आप एक नज़र अपनी पीसीएस प्री की तैयारी पर रखिएगा, ठीक है। आप जो तैयारी कर रहे हो करते रहिए, 21 जून के ऊपर रखिएगा, 21 जून पे नज़र रखिएगा। पेपर होने की संभावना बहुत कम है, 99.9% मुझे नहीं लगता कि पेपर होगा, लेकिन फिर भी अगर बहुत ही बुरी किस्मत हुई आपकी तो 0.01% शायद हो भी सकता है। तो नज़र रखते हुए 21 जून के ऊपर आप अपनी प्लानिंग कर लो। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि जो ये टाइम है बीच में, जो थोड़ा सा आपको समय मिल गया है, इसमें कैसे तैयारी की जाए, खासकर मेंस को लेकर, ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर कैसे तैयारी की जाए, इसको मैं बता दूंगा आपके, अगला वीडियो उसी पे आएगा। फिलहाल आप एक नज़र रखो 21 जून के ऊपर और एक नज़र रखो अपने मेंस की तैयारी के ऊपर। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।